नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कुमार टोंडक में। भाइयों, सामने आपको खेत दिखाई दे रहा होगा, ये गेंदे की खेती कर रहे भाई साहब, ये इनका ही खेत है और ये गांव पबरसा है, दोराला के पास जो है गांव पबरसा, और लाइनों में इन्होंने जो है गेंदा लगा रखा और ये इस गंदे की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। और हम रास्ते जा रहे थे तो हमने ये देखा, ये मशीन चल रही थी निराई गुड़ाई करने की होंडा की, तो मैं कभी देखा जा रहा है कैसा काम करे कैसा नहीं, क्या इसका हिसाब किताब है। तो ये होंडा की GX है, कंपनी की मशीन है, आपको मैं दिखाऊं F300 तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और ये किस तरीके से काम कर, इसकी स्पीड इतनी रहे तेज भी हो जा, अच्छा इतनी नहीं घूमा बची हो, अच्छा अच्छा तो बनने में भी काम कर देगी आप। हाँ भाई है, आपका नाम बताओ क्या है? सोनू। सोनू गांव बबरसा। तो आप कब लाए थे जी इसको? पिछले साल ली थी। तो मतलब किस पर्पज से ली थी, गन्ने के पर्पज से या फूलों के ही? गन्ने के हिसाब से। गन्ने के हिसाब से तो मतलब यह अगर गन्ने की इसको जुताई करना चाहे सही कर देगी या नहीं? जुताई करे भाई, है बढ़िया जुताई करे, हमने तो कर तो रखी, लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है इसमें, इसकी स्पीड तो कोई करे नहीं चलने की जी, है यही है, अच्छा यही स्पीड है जिससे चल रही है, इससे ज्यादा नहीं चलने की। तो ये तो है ऐसे, मतलब कि समझो जब जिसमें खेत में घास कम हो, अगर ज्यादा घास होगा तो मुश्किल पड़ेगी। शुरुआत से जो जुताई करोगे, शुरू में दो जुताई कर दो, घास जमने का ही नहीं, या फिर नहीं जमेगा, मतलब हल्के घास से इसकी निराई गुड़ाई शुरू कर दो खेतों की। अगर कितने इंची तक कर सके इसपे देख ले भाई, हाथ मार के मुझे ऐसा लग रहा है 27-28 इंची तो होगा, 26 इंची आसपास चौड़ाई में। हाँ चौड़ाई में जो 28 इंची का खोड है तो 28 इंची तक कर देगी आप। अच्छा यहाँ कैसे करोगे, मोड़ पा के चलानी पड़ रही। अच्छा एक बात बताओ यार, रोक के चलानी पड़े या अपने आप ही जैसे चल रही है ऐसी चलती रहे? ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रोक सीधा चलानी पड़ती हो खींच सी के? ना 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 ऐसा कुछ ना। और वाइब्रेशन वगैरह अपना ढिल्ले आता है? अच्छा 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 ये क्या चीज है, रेस है? अच्छा फुल रेस इसकी आई है। हाँ यही है। और वो ये बंद करने का, क्लिक हो गया, ये दबेगा तो चलेगा? हाँ। अबे अब छोड़ दे तो बंद हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या कीमत में लाए थे आप इसे? 34,172 का है। 34,172 का? हाँ। अच्छा पेट्रोल का इंजन है? मतलब आपका कोई जुगाड़ था तो आप कंपनी से लाए थे 34,172 का? और वैसे अगर बाहर से एजेंसी से ले लगे 55-56 के करीब का? 55-56 के करीब का। अच्छा 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 अच्छा, तो इससे स्टार्ट हो जाता है? इससे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा तो गर्म वगैरह तो नहीं होता यो? नहीं, इसमें तो मिट्टी चढ़ाने का बनवा रखा बहन से, पूरा तगड़ा काम करे तो मिट्टी भी अच्छी चढ़ा दे, बढ़िया तगड़ी करके। अच्छा रे, तो मतलब गन्ने में भी चला के देखा आपने? बो रखा हमने तो खूब चलाया पिछले साल भी अभी। अच्छा अच्छा दे भाई चल रहे चल। तो इससे बड़ा भी आता होगा जी? यो ही बना रही है बस। अच्छा जी। हाँ F300 ही। F300 F500 है। अच्छा तो चाइना का माल है। अच्छा यो वो होंडा का नहीं है? वो चाइना वालों का, वो ठीक नहीं है बा, हमने तो देखा नहीं, मतलब वो चलाया नहीं। अच्छा। जो बड़ी बात हुई थी मैं उससे बात करी थी वहाँ से। अच्छा तो उन्होंने कह रहे थे भैया हमारी कंपनी तो ये बना रही है F300। F300 हाँ,
चलो 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 अच्छा अच्छा ये तो चलो इसकी बात हो गया। मुझे बताओ ये आपने गेंदे की खेती कर रखी, जैसे ये सारे गेंदे का फूल लगा रखा, तो आप गन्ना भी बोरे और गेंदा भी बोरे, तो आपको ज्यादा सूटेबल और ज्यादा जिसमें कम मेहनत लगे ज्यादा मुनाफा किसमें? सुनो सुनो हाँ, ये तो है कच्ची फसल, इसके अच्छा। रेट आ जाओ तो बल्ले बल्ले, एक तो कुछ भी नहीं इसके पास आऊंगा। अगर ये 20 रुपए किलो बिक रहा हो बाजार में तो मतलब एक से बढ़िया हो सकता जब दे दे। अच्छा अगर 20 रुपए किलो बिक रहा अच्छा, और इसमें कम से कम 7-8-10 बीघा होना चाहिए एक वर्ग में गेंदा गेंदा। अच्छा एक दो बीघा में ताल नहीं रहती। अच्छा और इसमें मेहनत कैसी जी गन्ने के हिसाब को लगा मैं तो? मेहनत तो जोन से फसल पाओगा सब भैया, इसमें तुड़ाई भी तो करवानी पड़े। तुड़ाई भी करवानी पड़े सब, तो मजदूरों से ही हो जी? हाँ बिना मजदूर का कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, और दूसरा दवाइयों का कैसा हिसाब हुआ है जी इसमें? मतलब गन्ने जैसी लगे हैं, गन्ने से कम लगे हैं? नहीं ज्यादा भी लगे हैं, गन्ने से भी ज्यादा लगे हैं। पर ऐसे उत्पादन इसका ज्यादा हो जा। अच्छा कब की लगी हुई है आपकी क्रॉप? ये 26 जनवरी की। 26 जनवरी की, अब इसकी एक आध तुड़ाई हुई? नहीं हुई, कल हुई थी एक तुड़ाई, शुरू में करी थी स्टार्ट। अब फिर कितने दिन के अंतराल में तुड़ाई होगी? मतलब अभी तो स्टार्टिंग हुई इसकी। अच्छा फिर मतलब 7वें 8वें दिन चौथे 5वें दिन टूटना चालू हो जा फिर। तो जी यो कितने बीघे का नंबर है आपका? 7 बीघे का नंबर है यो पूरा खेत जो है आपका? 7 बीघे 7 बीघे का नंबर है यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो आप तो जैसे कर रहे हैं आप बता सको कि वो लगभग अगर फसल ज्यादा ना बढ़िया हो ना ज्यादा खराब हो तो एक बीघे में कितना कुंटल तक यो तोल में जा जी? कैसे जा तोल में जा भाई? तो क्या एवरेज आ जावे जी एक बीघे में वजन का? वजन तो भाई हो मतलब कई ढाल के पियो दावे। नहीं जो आपने लगा रखी, सुनो 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 अभी हाँ। तो इसे स्टार्टिंग हुई ना इसके। अच्छा तो मतलब यो 50 किलो से लेकर 2-2.5 क्विंटल बीघे तक निकल जा। क्या नाम है जी इसका? कलकत्ते। कलकत्ते अच्छा, गेंदे की? गेंदे की। अच्छा कितने रुपए किलो तक बिक जा? अब जो भाव चल रहा है बाजार में क्या चल रहा है? 60-65 का। 60-65 का। तो आप इसे लोकल में बेच दो या कि अलग ले जाना पड़े जी? एक तो कुलंजन मंडी लगा इसकी। अच्छा और एक फिर गाजीपुर मंडी में जा। गाजीपुर में जा। हाँ। तो आप कहाँ ले जाया करो? हम तो दोनों जगह ले जा, मान ले कम माल उतर रहा। अच्छा तो यहाँ ले जा। अच्छा फिर पूरा खेत भर के चलेगा तो मंडी गाजीपुर। तो आप अकेले ले जाओ या कोई और भी साथ में? और भी रहे साथ में। अच्छा क्योंकि अकेले ले जाएंगे तो खर्च ज्यादा आवेगा जी? 3,000-3,500 रुपये में गाड़ी जा। अच्छा तो इसमें भी बरसात वगैरह का भी नुकसान हो? इसमें भी हो नुकसान है, बरसात का भी, पानी नहीं रुकना चाहिए खेत में। इसमें पानी रुके कभी हो जा? हाँ। अच्छा इसमें ये इसके पेड़े उमस जा बीमारी वहाँ है इसमें? उमस जा। तो आपने गेंदा ही लगाया या कोई और भी जो है क्या नाम है फूल में कुछ और भी बो रखा था पहले? नहीं गेंदा ही गेंदा। गेंदा ही गेंदा। चलो तो मतलब कह रहे का मतलब ये है कि देखो गन्ना बोलो या फूल बोलो मेहनत तो सब में है, पर लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये भी अगर किसान थोड़े बहुत बोले तो, क्योंकि गन्ने भाइयों अभी आपसे बात करा दी भाई की मैं जैसे देख रहा था इसे कि फायदे का सौदा भी है छोटे किसान के लिए तो बढ़िया, बड़े के लिए तो यो जो है कारगर है नहीं इंजन इसका। अभी से देख लो छोटा बच्चा चला रहा वैसे तो, पर जैसे बागवानी खेती कर रहा है कोई फुलवाड़ी है थोड़ा बहुत गन्ना बो रहा तो चाहे कर लो, बाकी चीज़ ठीक है सूटेबल भी है पैसों में। और भाई गंदे खेती भाई ने आपको बताई थी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, राम राम।